পুরা 27 বছর এনডিটিভিতে থাকার পর রবিশ কুমার এনডিটিভি ছাড়লেন। ছাড়ার সময় তিনি কি বললেন, কেন ছাড়লেন, বিস্তারিত আমরা পরবর্তীতে ওনারই ভিডিও থেকে আমরা শুনব। অনুরোধ করব ওনার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং তার সঙ্গে আমার চ্যানেলটিকেও আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন। সবাই ভালো থাকবেন। मैं रवीश कुमार, आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहाँ इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है, मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। जब वो कहे कि वो उच्च स्तरीय पत्रकारिता करना चाहता है, तब ऐसा दावा करने वालों को जरा संदेह की निगाह से देखिए। इस वक्त अपने संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं कहना चाहता, क्योंकि भावुकता में आप तटस्थ नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। एनडीटीवी में 26-27 साल गुजारे हैं, इतनी लंबी यात्रा के अपने उतार चढ़ाव भी हैं, अनेक साथी, वरिष्ठ कनिष्ठ सब शामिल हैं, कितने लोगों ने साथ दिया है, इन अनुभवों के बारे में कभी भी वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं बोला जा सकता, और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार तथ्यों के साथ भावनाएं मिल जाती हैं और भावनाओं के तूफान में बहुत सारे तथ्य छूट जाते हैं। बेहतर है कि इसे संक्षिप्त ही रहने दिया जाए। जो आदरणीय शख्स हैं उन्हें मैं याद कर ही रहा हूं, काफी सारी शानदार यादें हैं एनडीटीवी में, अब दोस्तों के बीच सुनने सुनाने के काम आएंगी। आज के दिन किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल हो रहा है, तब जब आपके पेशेवर जीवन में अनेक लोगों का हाथ हो, कैसे एक का नाम ले सकते हैं। वैसे भी इस वक्त तो हर चेहरा ही अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि सबने मेरे अनुभवों को, मेरे जीवन को समृद्ध किया है। बेटी विदा होती है तो वह दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है।